वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग पिछले सेशन तक पॉलिनेशन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पॉलिनेशन के बाद का इवेंट दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट देखेंगे। पॉलिनेशन हो गया दैट इज पॉलिन ग्रेन एंथर से कहाँ तक आ गया, स्टिग्मा तक आ गया। ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक पहुँच चुका है। ये हमारा पॉलिन ग्रेन है, यहाँ पर आया तो इस पर यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन के लैंडिंग होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद का इवेंट में हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को भी देख लिए थे। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद हम लोग पॉलन पिस्टल यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है इसके साथ अब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलन पिस्टल जब इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसके बाद हम लोग देख ले जब अगर पॉलन ग्रेन क्या है, सेल्फ कंपेटिबल है, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन क्या है, कंपेटिबल है। जब पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है तो ये जो स्टिग्मा है क्या करेगा, इस पॉलन ग्रेन को अलाउ करेगा, परमिशन देगा कि आप जो पॉलन ग्रेन है उसको ये परमिशन देगा कि आप जो है से कि उसमें पॉलन ट्यूब जनरेट कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये परमिशन मिलने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है इस पॉलन ग्रेन से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। अब ये पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब है आगे बढ़ता हुआ आएगा, नीचे आएगा स्टाइल से होते हुए, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए। अब यहाँ पर देखिए जो एम्ब्रियो सैक है कंप्लीट हमारा, ये इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि ये जो एम्ब्रियो सैक है हमारा ओवरी, ये कंप्लीट ओवरी है, नीचे ओवरी है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इस ओवरी की इनसाइड क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर और दूसरा चलाजाल एंड, माइक्रोपाइलर और दूसरा चलाजाल एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड में क्या होते हैं, एक एपरेटस और चलाजाल एंड की तरफ एंटीपोडल, एंटी चलाजाल एंड की तरफ भी तीन सेल और माइक्रोपाइलर के तरफ भी तीन सेल। फर्क क्या होता है कि ये जो एंटी चलाजाल एंड की तरफ जो होते हैं जो तीनों सेल होते हैं नॉर्मल होते हैं, तीनों एक जैसे ही सेल होते हैं जिसे हम एंटीपोडल कहते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, तीन सेल होते हैं और वो भी दो तरह के होते हैं, एक मिडिल में सेंटर में होता है और दो साइड में होते हैं। जो सेंटर वाला सेल होता है इस सेंटर वाले सेल को कहा जाता है फीमेल जर्म सेल, ये एक जर्म सेल है, जर्म सेल के रूप में काम करता है और इसे कहा जाता है एक सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये इस न्यूक्लियस को क्या कहता है, एक न्यूक्लियस, और इसके दोनों तरफ जो साइड में जो क्या है दोनों तरफ एडज्वाइनिंग है इसको बोला जाता है सिनर्जिड्स, क्या बोला जाता है सिनर्जिड्स। और इसी के टिप पर और इसी के इर्द गिर्द क्या होते हैं, फिंगर लाइक पैपली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसी को फिलिपफॉर्म ऑपरेटस बोला जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिलिपफॉर्म ऑपरेटस, ये जो फिलिपफॉर्म ऑपरेटस है जब यहाँ पर इसे पता चलता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को ये अलॉटमेंट मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है कि अब वो पॉलन जो पॉलन ट्यूब का क्या करा सकता है, ग्रोथ करा सकता है, तो उसके लिए क्या करता है, ये केमिकल सीक्रेट करता है, केमिकल सीक्रेट करता है किसके लिए, इस जो पॉलन ट्यूब है पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए कि आपको किस डायरेक्शन में कहाँ पर आना है। तो इस ये जो पॉलन ट्यूब जो फिलिपफॉर्म ऑपरेटस है इसके इसके द्वारा जो केमिकल सीक्रेट किया जाता है वो केमिकल जो है कि इस पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अटैक करता है, और ये क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहाँ फिलिपफॉर्म ऑपरेटस तक पहुँच जाता है, और फिलिपफॉर्म ऑपरेटस के जरिए ही क्या होता है यहाँ पर इंटर करता है। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, याद होगा आप लोगों को कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन जो एंथर में होते हैं वो दो तरह का पॉलन ग्रेन होते हैं, एक टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन होते हैं और दूसरा थ्री सेल्ड स्टेज होते हैं। कुछ याद आ रहा, टू सेल्ड स्टेज जैसे मतलब कहने का मतलब टू सेल्ड स्टेज उसमें पॉलन ग्रेन में क्या है, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और वही अगर थ्री सेल्ड स्टेज की बात कहा जाए तो उसमें क्या होते हैं, दो जेनरेटिव सेल होते हैं अर्थात कि दो जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब सेल। देखिए यहाँ पर जो क्या होते हैं कि ये जो देख रहे हैं पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब में इस तरह से अगर हम कहते हैं कि ये क्या है हमारा पोलन ट्यूब है, तो सबसे आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है, सबसे आगे आगे क्या क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, इसके बाद क्या होते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। अगर पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज का है तो एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा, वही अगर दो थ्री सेल्ड स्टेज वाला है तो क्या होगा, तीन न्यूक्लियस होंगे,
और जिसमें से जो ट्यूब न्यूक्लियस है सबसे आगे होगा और दोनों जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे होंगे। एक चीज़ और, जो दो सेल डिस्टर्ब होते हैं उसमें दो ही न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस, वो भी इस पोलन ट्यूब के ग्रोथ के दौरान इसी के यहीं पर अपना खुद का माइटोस एक बार माइटोटिक डिवीजन करा लेते हैं और ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है जो टू सेल स्टेज वाला था वो भी अपने आप को थ्री सेल स्टेज में ले आता है, अर्थात कि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आ जाते हैं कम्प्लीटली। कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? थ्री न्यूक्लियस, वन वेजिटेटिव और दो जेनरेटिव, और वेजिटेटिव आगे आगे और जो जेनरेटिव होते हैं पीछे पीछे। अब देखिए ये जो आ रहे हैं तो वेजिटेटिव सेल आगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे होता है। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है यहाँ फिलिप फॉर्म ऑपरेटस पर आएगा, यहाँ पर फिलिप फॉर्म ऑपरेटस पर आने के बाद क्या होगा, फिलिप फॉर्म ऑपरेटस से क्या होगा, ये इंटर करेगा तो ये क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, टिश्यू मास बल्क अमाउंट है टिश्यूज का सेल का, तो उस बल्क अमाउंट में क्या होगा, बल्क अमाउंट में अपना प्रेशर क्रिएट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, ये नेचर ने इसको स्ट्रक्चर देखिए क्या है, जो एक सेल होते हैं एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ऊपर होता है, पेरीफेरी से दूर होता है, फार होता है, फार फ्रॉम पेरीफेरी। वही अगर हम बात करें सिनर्जिड्स के तो सिनर्जिड में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं पेरीफेरी की तरफ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जो आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, अगर आगे आगे जो ट्यूब न्यूक्लियस है वही अगर इंटर करके अगर यहीं पर अगर नज़दीक में ये क्या है न्यूक्लियस अगर रहता है तो इसी के साथ फ्यूज कर जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फ्यूज किसके साथ होना है? जेनरेटिव न्यूक्लियस के साथ। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स के कोई एक दो सिनर्जिड्स हैं, इन दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, और उसके साथ फ्यूज करने के साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोई एक सिनर्जिड क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा ट्यूब न्यूक्लियस के साथ और ये डीजेनरेट कर जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, दो मेल जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, तो उसमें से एक जो मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो इंटर करेगा यहाँ पर एक सेल के पास, कहाँ आएगा, एक सेल में इंटर करेगा और एक सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और इस फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। अब हमारे पास ये दो न्यूक्लियस तो हमारे पास क्या होगा, यूज हो गए, ट्यूब न्यूक्लियस भी यूज हो गया और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस यूज हो गया। हमारे पास एक क्या है, रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग जो न्यूक्लियस है, ये रिमेनिंग न्यूक्लियस इसी में जो एक जो इम्ब्रियो सैक है, इसी इम्ब्रियो सैक में क्या होगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए पहुँचेगा सेंट्रल सेल के सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास, सेंट्रल सेल का सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचेगा और इसी पोलर न्यूक्लियाई से आकर के ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है आकर के फ्यूज करेगा और फ्यूज करके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और इस ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर को जो फ्यूजन होता है इसी फ्यूजन को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इस कंप्लीट इम्ब्रियो सैक में, कंप्लीट जो इम्ब्रियो सैक है, इस इम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार कॉमनली जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है या ऐसे तो तीन बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ट्यूब न्यूक्लियस के साथ वो तो डीजेनरेट कर जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो डीजेनरेट कर रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। लेकिन हमारे पास जो मौजूद है, हमारे पास लाइफ लॉन्ग जो मौजूद रहेगा, वो मौजूद क्या रहेगा, यही दो इवेंट, ये जो कंप्लीट इवेंट है इसमें एक सेल के साथ एक फर्टिलाइजेशन और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक टाइम, दो बार, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट इवेंट को क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ इसमें एक नया, देखिए नए तरह का क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी फर्टिलाइजेशन पढ़े होंगे उसमें क्या होते हैं, दो हैप्लोइड न्यूक्लियस आते हैं,
दो हैप्लोइड न्यूक्लियस आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और एक डिप्लॉइड फर्टिलाइज दैट मीन जाइगोट का निर्माण करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल सेल का जो पोलर निकले है उसके साथ एक और सेंट्रल सेल में जो पोलर निकले है क्या, दो हैप्लोइड न्यूक्लियाई है और इसके साथ साथ एक और मेल जो हैप्लोइड जर्म सेल है, जर्म न्यूक्लियस है, वो भी जाकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, दैट इज एन एन एन। देखिए तो ट्रिपल एन अर्थात कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस कंप्लीट इवेंट को एक डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग जो टोटल जो इवेंट हम लोग देखे समझे उसको नोट्स कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, पोलिनेशन कंप्लीट हो रहा है। पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद क्या, कंपेटिबल पोलन गेन को क्या किया जा रहा है, स्टिग्मा के द्वारा अलाउ किया जा रहा है, दैट इज आफ्टर पोलिनेशन कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स आर allowed to grow their pollen tube, compatible जो pollen grain है उसको permission मिल जा रहा है, allow कर दिया जा रहा है कि आप अपना pollen tube को क्या कर सकते हैं, generate कर सकते हैं, grow कर सकते हैं। अब pollen tube का जैसे ही pollen grain को permission मिला तो pollen tube germination होना शुरू हो जाएगा। अब इसको guide कौन करेगा, फिलिपफॉर्म ऑपरेटर्स के द्वारा जो सीक्रेट किया गया केमिकल्स हैं, दैट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब आर गाइडेड बाय द केमिकल्स सीक्रेटेड बाय फिलिपफॉर्म ऑपरेटर्स। अब फिलिपफॉर्म ऑपरेटर्स के द्वारा गाइड किया जा रहा है। अब यहाँ इसके गाइड करते करते क्या हुआ, ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ तक माइक्रो पाइलर एंड में फिलिपफॉर्म ऑपरेटर्स तक पहुँच जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा, इस दौरान अगर यहाँ तक तो पहुँच रहा है पोलन ट्यूब, लेकिन इस दौरान इसके ड्यूरेशन में अगर हम कहें बीच इंटरवल में, तो जो टू सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन होगा क्या होगा, थ्री सेल स्टेज में जाएगा, और थ्री सेल स्टेज वाला होगा क्या होगा, नॉर्मली जनरली रूप से यहाँ तक पहुँच जाएगा ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ, पोलन ग्रेन्स ऑफ टू सेल स्टेज डिवाइड माइटोटिकली एट वंस टू फॉर्म टू जनरेटिव एंड वन ट्यूब न्यूक्लियस। वाई, जबकि जो थ्री सेल स्टेज वाला होगा वो क्या करेगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। वाई पोलन ग्रेन्स ऑफ थ्री सेल स्टेज मूव्स डायरेक्टली, मूव करके डायरेक्टली। अब नेक्स्ट यहाँ पर तो पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा आगे, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस किसी भी एक सिनर्जी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ आइदर ऑफ एनी वन
सिनर जेट्स न्यूक्लियस एंड डीजेनरेट इट्सेल्फ। अपने आप को फ्यूज करने के बाद क्या कर ले रहा, डीजेनरेट कर ले रहा। अब ट्यूब सेल क्या हुआ, ट्यूब सेल का फ्यूजन हो गया। ट्यूब सेल के फ्यूजन होने के बाद हमारे पास अब क्या बचे, इस दो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, दो मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस। अभी दो मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस है, इसमें से एक किसके साथ फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस ऑफ एक सेल, एक सेल के न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ। तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। हमारा ट्यूब सेल क्या हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज करके क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया। अब एक दो मेल जर्म सेल में, फर्स्ट मेल जर्म सेल, फर्स्ट मेल जर्म सेल, सॉरी जर्म सेल नहीं, जर्म न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किसके साथ, न्यूक्लियस ऑफ एक सेल फ्यूजेज विथ द न्यूक्लियस ऑफ एक सेल कॉल्ड सिनगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सिनगैमी, टू फॉर्म जाइगोट, सॉरी डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब जो सेकेंड जो मेल जर्म सेल होगा उसका न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, इस सेंट्रल सेल का सेंट्रल न्यूक्लियस अर्थात कि पोलर न्यूक्लियस के पास, दैट इज सेकेंड मेल जर्म न्यूक्लियस विल फ्यूजेड विथ किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस। और कह सकते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल जर्म सेल जर्म न्यूक्लियस विल फ्यूजेज विथ पोलर न्यूक्लियस और सेंट्रल न्यूक्लियस न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कह रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाएगा, एंड विल प्रोड्यूस सॉरी मेक पेन, लिखने वाला पेन नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से हमारा फ्यूजन हुआ, फर्स्ट फ्यूजन ट्यूब न्यूक्लियस के साथ, किसके साथ, सिनर्जिड के साथ, और ये डीजेनरेट कर जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ एक सेल, और देन लास्ट में सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। ये जो कंप्लीट इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में देखिए तो फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। इसीलिए इस कंप्लीट इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। इन दिस इवेंट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट ट्वाइस एंड विल ऑल्सो प्रोड्यूस एन अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, हेंस
it is also known as double fertilization and triple fusion. Double fertilization and triple fusion. तो उम्मीद करते हैं आप लोग डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का जो इवेंट है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो भी परेशानी होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, या फिर कमेंट कीजिएगा, फिर से इसके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास।